नमस्कार आदाब से 24 मधून मी माजिद बागवान। सोलापूर शहर बागवान जमात सिटी ट्रस्टचा एक अनोखा उपक्रम सोलापूर शहर बागवान जमात सिटी ट्रस्ट व महाराष्ट्र उद्योजकता विकास केंद्र सोलापूर यांच्या संयुक्त विद्यमाने उद्योजकता शिबिराचे आयोजन करण्यात आले आहे। या उद्योजकता विकास केंद्राच्या शिबिराबद्दल अधिक माहिती दिली आहे या बागवान जमात सिटी ट्रस्टचे उपाध्यक्ष अल्ताफ लिंबूवाले, काय म्हणाले पहा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। शहर सोलापुर बागवान जमीयत के जेर निगरानी TRET कमेटी के मेम्बरान की तरफ से ये तमाम बिरादरी के लोगों को और इतर लोगों को भी इत्तला दी जा रही है कि बरोज़ जुमा 19 जनवरी बाद नमाज मगरिब 7 से लेकर 8 बजे तक एक घंटा जिला औद्योगिक सेंटर DIC के जो पलकर अधिकारी हैं RR शिंदे साहब, इनके जरिए तमाम लोगों को नए उद्योग के बारे में, नए बिजनेस के बारे में मालूमत दी जाने वाली है। गवर्नमेंट की तरफ से जो स्कीमें हैं और गवर्नमेंट की तरफ से नया बिजनेस को शुरू करने के लिए जो मालूमत है, गवर्नमेंट की फंडिंग है, सब्सिडी है, उसका अनुदान है, नया उद्योग शुरू करने के लिए जो भी लगने वाली सारी चीजें हैं, वो सारी चीजों की मालूमत परक्लब अधिकारी जो है वो देने वाले हैं। इसके लिए मैं तमाम बागवान बिरादरी के बड़े व्यापारी, छोटे व्यापारी, अड़ते और छोटे जो बिजनेस कर रहे हैं, तिजारत कर रहे हैं, इन लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं और साथ ही साथ मुस्लिम समाज के और भी लोग जो इसमें इंटरेस्ट रखकर सुनना चाहते हैं, आकर इसकी मालूमत लेकर अपनी तिजारत में इजाफा करना चाहते हैं, तिजारत को बेहतर से बेहतर बनाना चाहते हैं या नई तिजारत शुरू करना चाहते हैं, ऐसे लोग आकर इस प्रोग्राम में शामिल हो जाए, मालूमत हासिल करे और अपने नए बिजनेस को, नए उद्योग को शुरू करे। जमीयत की तरफ से ये एक नया कदम है, लोगों की माली हालत सुधरे, तिजारत के अंदर उनके निखार आए, तिजारत उनकी बढ़े और तिजारत के अंदर नए तरीके से और नए तिजारत को, नए उद्योग को नए तरीके से शुरू करे। इसके लिए जो भी जरूरत पड़ेगी शहीद सोलापुर बागवान जमीयत अपने तौर से उनकी मदद कर उसको हल करने की और उनको मदद करके उनके तिजारत को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। इसलिए मैं फिर से एक बार बरोज जुमा बाद मगरिब 7 से लेकर 8 बजे तक एक घंटा का प्रोग्राम शहर सोलापुर बागवान जमीयत की ऑफिस जोड़बई पेट 305 जोड़बई पेट की जो बिल्डिंग है जोड़बई पेट में जमीयत की, उसमें रखा गया है। सारे हजरात पहुंचे और इस प्रोग्राम को सुनकर अपनी तिजारत को फरागत दिए, तिजारत को बढ़ाए, इतनी मैं सारे लोगों से अपील करता हूँ। APMC की ताल्लुक से रखने का जो बिजनेस है, जैसा कि फल फ्रूट है, तरकारी है, इसके प्रोसेस और इससे तैयार होने वाला प्रोडक्शन और इसका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, इसके बारे में भी मालूमत दी जाएगी और इसको करने के लिए जो रजिस्ट्रेशन है, गवर्नमेंट की जो शरायत है वो पूरी करने के लिए ये जो DIC के जो ऑफिस है, इससे हमारे को पूरी हेल्प मिलेगी, पूरी मदद मिलेगी। इसके लिए हम उन अधिकारी से मिलकर अपनी तिजारत को बढ़ाने के लिए, नए बिजनेस को शुरू करने के लिए इंशाल्लाह ताला जमीयत के साथ आप लोगों की मदद कर इस काम को हम आगे बढ़ाने की उम्मीद रखते हैं। इतना कहते हुए अपनी बात खत्म।